आज हम बना रहे हैं कीमे की कढ़ाई। ये बीफ का कीमा है, आधा किलो कीमा है, तो इसकी हम आज कढ़ाई बनाएंगे। सबसे पहले ये कीमा हमने डाल दिया, ये थोड़ा फ्रीज हुआ भी था, तो इसमें जो है हम ये 8 से 10 लहसुन के जवे हैं वो हमने काट लिए हैं। आपने इनको कूटना नहीं है, क्योंकि कूटने से और इसका टेस्ट आएगा। और इस तरह स्लाइस की सूरत में काट ले, जैसे हम बादाम काटते हैं उस तरह इसको काट ले। और 4 हरी मिर्ची हैं, ये दरमियान से आधी आधी कट कर ले, अगर बड़ी हैं तो वो आप 2 ले लें। 1 टमाटर है और 1 ही दरमियाने साइज का प्याज है। ये 2 टमाटर जो है ये हम बाद में डालेंगे, ये इसके साथ नहीं डालेंगे। इसको हम तेज आंच पे भूनेंगे। कि ये प्याज भी थोड़ा नरम हो जाए, कीमा अपना पानी भी छोड़ दे। इसमें सिर्फ थोड़ा सा हम जो है अदरक का पाउडर डालेंगे, ये इन चीज़ों के साथ ही तकरीबन 1.5 टीस्पून अदरक का पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून नमक की। बाकी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे इसको भूनने के बाद, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। क्योंकि जब ये बाद में हम इसमें पानी डालेंगे तो इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये लहसुन जो है ये सारा गल जाएगा इसमें। लेकिन इसको आपने स्लाइस की सूरत में काट के ही वो फ्राई करना है इसमें। इसका पानी खुश्क करने तक इसको हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, ये पानी तकरीबन इसका जो है वो आधा तो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे से खुश्क हो गया पानी, बस थोड़ा सा है। तो अब हम इसमें घी डालेंगे, इसको हम घी में बनाएंगे। ये तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम है जो घी है ना, क्योंकि ये घी में ज़्यादा अच्छी बनती है। अब हम इसको भूनेंगे कि ये सारी चीज़ें इसके साथ भून जाएं और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा इसको भूनने से। अभी भी हम इसमें कोई मिर्च कोई कुछ नहीं डालेंगे, बस पहले पानी खुश्क किया और उसके बाद हमने ये घी डाल दिया। तो इसको अब तकरीबन मज़ीद 5 मिनट तक हम भूनेंगे तेज़ आँच पर। अच्छा, ये 5 मिनट हो चुके हैं, ये कीमा हमारा पूरा भून चुका है, खुशबू भी अच्छी आनी शुरू हो गई है, ये मिर्चें भी इसी भूनने में ये मिर्चें भी गल चुकी हैं सारी। अब हम इधर ये बाकी जो चीज़ें हैं इसकी मिर्चें वो डालेंगे। तो ये मैं 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये मिर्चें बहुत तेज़ हैं, प्योर हैं, इसलिए तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें दालचीनी का पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हल्दी का जाएगा। नमक हम पहले डाल चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा बस हला के कि ये इसमें मिक्स हो जाए, तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि अब ये लगने लग गया नीचे, ये बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब इसको हम जो है ना पानी डाल के तो वो रख देंगे, पानी इतना डाल लें जिसमें ये कीमा गल जाए। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है, तो इसको अब मैं तकरीबन दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख दूंगी कि ये गल जाए सारा कीमा जो है ना। ये कीमा बीफ का है, ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है, तो इसको आप प्रेशर में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर में वो मज़ा नहीं आएगा। तो प्रेशर वाली कढ़ाई भी हम बना के बताएंगे किसी अगली वीडियो में। तो इसको अब हम दरमियानी आँच पर रख देंगे जब तक कि ये पानी भी खुश्क हो जाए और कीमा भी गल जाए। ये हमारा कीमा जो है वो गल चुका है, सारी चीज़ें भी इसमें यकजान हो चुकी हैं। इसको हम तेज़ आंच करेंगे थोड़ी सी, ताकि ये मज़ीद थोड़ा सा जो इसमें पानी है वो खुश्क हो जाए। हल्का सा इसको चम्मच मार लेंगे कि ये लहसुन के जो कुछ चंद पीसीज हैं ये इसमें अंदर मैश हो जाए। जब ये इस तरह पूरा भुन जाए
तो ये टमाटर जो हमने दो बताए थे शुरू में, एक हमने डाल दिया था, दो बचाए थे, वो इस स्टेज पे आपने डालने हैं और तेज़ आंच पे इसको भूनना है आपने। इसके साथ ही जो है एक टीस्पून इसकी सफ़ेद ज़ीरे की और एक टीस्पून भर के सूखा धनिया। इसको बस तेज़ आंच पे भूनेंगे कि टमाटर सिर्फ ये जो है गल जाए। जैसे आमतौर पे कढ़ाई में होते हैं कि वो थोड़े पीस उसके रहते हैं, तो इसको तकरीबन 2 मिनट तक जो है वो तेज़ आंच पे भूनेंगे ताकि ये टमाटर सिर्फ नरम हो जाए और ये मज़ीद जो है वो भून जाए। अच्छा, ये इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर भी ये देखें ये गल चुके हैं बिल्कुल। ये इसको चम्मच हम मारें जब तो ये टूट रहे हैं। तो यहाँ हम इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे अब रखेंगे कि ये मज़ीद जो है ना ये घी छोड़ दे। हमारी हांडी बिल्कुल कढ़ाई जो है कीमा कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें दो हैं बारीक काट के वो डाल देंगे। अब चूल्हा जो है वो बिल्कुल 2 मिनट के लिए वो दम पे, इसको दम पे दे देंगे और बाद में इसमें इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। दम पे देने के बाद 2 मिनट के बाद इसको डिश आउट करते हैं, फिर ऊपर गार्निश आप हरे धनिए से कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।